राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बोले अमित शाह, 30 से 40 साल तक रहेगा भाजपा युग। जय श्री राम के नारे के साथ शुरू हुआ महाराष्ट्र विधानसभा का विशेष सत्र, बीजेपी के नार्वेकर बने अध्यक्ष। सपा में बदलाव के लिए अखिलेश यादव ने उठाया बड़ा कदम, प्रदेश अध्यक्ष को छोड़कर सभी कार्यकारिणी को किया भंग। अग्निपथ के खिलाफ सड़क पर उतरी आप पार्टी, लखनऊ में पुलिस से झड़प, यूथ विंग के पदाधिकारियों ने पूरे प्रदेश में किया प्रदर्शन। भारत और इंग्लैंड के बीच जारी एज बेस्टन टेस्ट का आज तीसरा दिन, इंग्लैंड को ऑल आउट करने पर भारत की नजर। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम उत्तर प्रदेश की। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में लगातार गुंडागर्दी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा ही ताजा मामला सामने आया है जिसका वीडियो भी अब वायरल हो रहा है, जिसमें एक ट्रैक्टर चालक ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर बीच सड़क में खड़ा होकर हाई वोल्टेज ड्रामा किया और जमकर गुंडागर्दी की, जिसके बाद घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस भी ट्रैक्टर चालक की गुंडागर्दी का तमाशा देखती रही और बदमाशों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। खबर महाराजगंज से है, जहां के अंबेडकर पार्क में नगर पालिका के अध्यक्ष के नेतृत्व में सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग ना करने के लिए लोगों को जागरूक किया गया। वहीं कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि सदर विधायक जय मंगल कनौजिया ने शपथ दिलाई कि हम सब आज शपथ लेते हैं कि आज से प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे और लोगों को भी प्रयोग ना करने के लिए प्रेरित करेंगे। खबर अयोध्या से है, जहां अमेठी के रहने वाले युवक की गला रेत कर हत्या कर दी गई, जिसके बाद मंदिर प्रांगण में युवक का शव मिलते ही हड़कंप मच गया। वहीं इस मामले को लेकर परिजनों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की छानबीन की। 3 जुलाई 2022 को थाना कुमारगंज क्षेत्र से चौकी देव गांव के अंतर्गत ग्राम भुआपुर से एक सूचना प्राप्त हुई सुबह करीब 6 बजे कि गांव के पास ही बने एक मंदिर में एक युवक की डेड बॉडी पड़ी हुई है। सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची, गले पर उसके कट के निशान थे। इस संबंध में जानकारी प्राप्त हुई कि मृतक की उम्र करीब 35 वर्ष थी, वो यहाँ अपने ननिहाल में पिछले करीब 2 महीने से रह रहा था। घटना की पुलिस द्वारा फोटो वीडियोग्राफी करा के जो भी वहाँ पर साक्ष्य मिले हैं उनको संकलित किया गया है। शव को पंचनामा करके पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए भेजा गया है। इस संबंध में मृतक के परिजनों को सूचित किया गया, उनसे तहरीर प्राप्त करके जो आवश्यक विधिक कार्रवाई है कराई जाएगी। अयोध्या से ये खबर सामने आ रही है, जहां युवक की गला रेत कर मंदिर के प्रांगण में हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि अयोध्या के गांव के एक हनुमान मंदिर में शव मिला है, जिसके बाद हड़कंप मच गया था। रात के समय बिजली ना आने के चलते व्यक्ति मंदिर में जाकर सोया था और इस मामले की गुत्थी भी पुलिस ने सुलझा ली है, जहां 2 घंटे के अंदर ही पुलिस ने आरोपी का पता लगा लिया है। मृतक के ममेरे भाई ने ही मृतक की गला रेत कर हत्या करी थी। बीते दिन हुए मारपीट और विवाद के चलते गुस्साए ममेरे भाई ने ही युवक की हत्या कर दी थी, जिसका खुलासा पुलिस ने कुछ ही घंटों में कर लिया है। खबर बदायूं से है, जहां नगर पंचायत आलापुर के राहत जनजागरूक अभियान के तहत पॉलिथीन हटाओ और प्लास्टिक निर्मित सामान के बहिष्कार को लेकर अभियान रैली निकाली गई। इस दौरान कुछ समय पूर्व बदायूं जिलाधिकारी दीपा रंजन ने पॉलिथीन हटाओ के लिए सभी नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों को आदेश दिया है। पन्नी मुक्त करने के लिए अलापुर क्लीन, अलापुर कहीं भी कोई पन्नी का प्रयोग बंद है।
और इसलिए मैं थैला भी कटवा रहा हूँ और जागरूक भी करा रहा हूँ। सर अभी कुछ दिन पहले अटकड़ा अभियान चलाया गया था, इसमें तो कुछ ठेले लग रहे हैं, कुछ ठेले नहीं लग रहे हैं। ठेले वालों के लिए एक जगह मैं व्यवस्था कर रहा हूँ और जल्दी व्यवस्था हो जाएगी, वो ठेले एक जगह लगेंगे लाइन से, वो मैं अपनी जमीन जमीन पे ही उन लोगों को रखा है। ठीक है, चिन्हित कर ली। खबर जयपुर से है, जहां आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद की गिरफ्तारी कर जेल भेजे जाने के विरोध में मुरादाबाद में भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने अपना विरोध दर्ज कराया है और गहलोत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा है। मैं भीम आर्मी जिला संयोजक मुरादाबाद। आज जो नारेबाजी हो रही, किसकी हो रही? जो आज ज्ञापन दिया जा रहा है डीएम साहब को, वो बड़े चंद्र आज़ाद जी शांतिपूर्वक तरीके से धरना के लिए जयपुर जा रहे थे, तो उन्हें रात को 12 बजे होटल से ही ट्रेन कर लिया गया और उन्हें बिना किसी कारण के जेल भेज दिया गया है। उनके कुछ साथियों को जेल भेज दिया गया है, उनकी रिहाई के लिए हम आज ज्ञापन दे रहे हैं डीएम साहब को। और जो CHA के कर्मचारी हैं, जो कोरोना काल में उन्हें रखा गया था, उन्हें उनसे वादा किया गया था कि हम आपको परमानेंट कर देंगे, गहलोत सरकार उन्हें हटा रही है, उनकी परमानेंट के लिए भी हम ज्ञापन दे रहे हैं आज डीएम साहब को मुरादाबाद में। और ये ज्ञापन पूरे भारत में हर ज़िले में दिया जा रहा है, हर तहसील में दिया जा रहा है। किस बात पर उनकी गिरफ्तारी करेगी? ये सरकार कुछ खोल नहीं रही है, गिरफ्तारी किस कारण दी है कोई प्रूफ नहीं दे रही है। भाई का कल 12 बजे से कुछ पता नहीं है कहाँ पर है कहाँ पर नहीं है, लेकिन उन्हें ये बताया गया है कि जेल भेज देगा। कोई कारण या नोटिस कोई नहीं सरकार ने दिया है, नहीं वहाँ के पुलिस प्रशासन ने दिया है। क्या मांग है आपकी, मुख्य मांग क्या? हमारी मुख्य मांग है हमारे बड़े चंद्र आजाद जी और उनके साथी को रिहा करें। और खबर हरदोई से है, जहां अरवल थाना क्षेत्र के नंदना गांव के अलवर सिंह इंटर कॉलेज में छात्र ने तमंचे से गोली मारकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना आगरा पहुंचे और उन्होंने वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ सर्किट हाउस में बैठकर बैठक की और दिशा निर्देश दिए। बता दें कि बैठक के बाद वो आगरा के सिकंदरा स्थित एक होटल में हो रहे उत्तर प्रदेश प्रांतीय खत्री सभा 2 दिवसीय अधिवेशन के कार्यक्रम में भाग लिया और कार्यक्रम में वित्त मंत्री को संबोधित करते हुए सरकार की योजनाओं के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी और पेश किए गए बजट पर भी चर्चा की। इस बात पर खास तौर से जोर दिया है कि हर जिले में सभा का आयोजन हो और इसके लिए विशेष रूप से मॉनिटरिंग भी हो और जो हमारी वर्तमान समिति है वो उसके लिए खास तौर से प्रयास करें। उन्होंने खत्ती चैरिटेबल ट्रस्ट भी बनाया है और हर समय इस बात की चिंता भी रहती है कि किस प्रकार से हमारा समाज अग्रणी भूमिका निभाए हर समाज में। खबर सुल्तानपुर से है, जहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अग्निपथ योजना को बंद करने को मुद्दा बताते हुए प्रदर्शन किया और भीख मांगकर सरकार की इस योजना के खिलाफ गुस्से का इजहार किया। इसके बाद सीओ सिटी और SDM सदर की मौजूदगी में प्रदर्शनकारी कोतवाली लाए गए। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।